क्या स्टैंड है ये बीजेपी ने ज़्यादा बनाया है, क्योंकि हमारे पास तो अभी तक कोई भी ऐसा इतला नहीं आई है कि जहाँ कोई रोहिंग्या का आदमी मिलिटेंट या सिक्योरिटी ब्रीच करते देखा है। ये भी एक बीजेपी का डिवाइडेड रूल के लिए एक फार्मूला उन्होंने बनाया। वो आया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो अलग मुद्दा, यहाँ कोई बाहर का आना चाहे वो अलग इशू है, लेकिन लेकिन ये कहना कि वो मिलिटेंट है ऐसा आज तक कोई मुद्दा तो आया नहीं सामने। जितनी निंदा की जाए पाकिस्तान की, पाकिस्तान की सरकार की, पाकिस्तान की फौज की, वो बहुत कम है। लेकिन साथ साथ ये भी कहना पड़ेगा कि कहीं न कहीं सरकार में भी कमियां हैं। हमारी पॉलिसी, जिसको परसों भी ये कहते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस था कांग्रेस के वक्त में, प्रधानमंत्री ने परसों दबाया, इसको दोहराया, फाइनेंस मिनिस्टर ने फिर दोहराया। अब ये जानना चाहते हैं कि पॉलिसी पैरालिसिस हमारे वक्त में था कि आज क्यों एक एक हफ्ते में एक एक आर्मी इंस्टॉलमेंट पे हमला हो रहा है। उसका मतलब है कि कहीं न कहीं असफल केंद्रीय सरकार हुई है।